हेलो एवरीवन, दिस इज़ चैनल क्रेजी इंग्लिश। और इस चैनल पे आप ग्रामर से रिलेटेड और इंग्लिश से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचती है। तो आज का हमारा टॉपिक है सेल्फ इंट्रोडक्शन। आज हम सेल्फ इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे। जैसे आपसे कभी पूछा जाता है कि अपने बारे में कुछ बताएं, अपना परिचय दें, या हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, अपना परिचय कैसे दें, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, इसका जवाब कैसे दें। तो आज इसी पर एक वीडियो हमने बनाया है एक बच्चे के रिक्वेस्ट पे। तो चलिए देखते हैं, आज का टॉपिक है हमारा सेल्फ इंट्रोडक्शन। गाइज, एक बार सोचिए, यानी कि इंट्रोडक्शन तो आपको अपना ही देना है, लेकिन इसमें आपको अपने बारे में बताना है कि कौन है, क्या है, ये हम तो बता नहीं सकते। फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि इसको इंग्लिश भाषा में बोलना है। अगर ये इंट्रोडक्शन आपको अपनी भाषा में बोलना होता तो आप आसानी से बोल लेते, क्योंकि अपनी भाषा में आपको पता होता है कि किसी वाक्य को यानी किसी सेंटेंस को किस प्रकार से बोलना है, किस तरह से सेंटेंस को सेट करना है। लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज में बोलने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि आपको ये जानकारी नहीं होती कि किस तरह से किसी सेंटेंस को सेट करना है और बोलना है। तो आज हम इस वीडियो में ये देखेंगे कि ये शॉर्ट वीडियो बनाई गई है कि इस प्रकार से आप नॉर्मली, ये हर क्लास के लिए, नॉर्मली हर पर्सन इस तरह से अपना इंट्रोडक्शन दे सकता है। हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ इन इंग्लिश, यानी अपने बारे में अंग्रेजी में कैसे बताएं। देखिए, माई सेल्फ, सबसे पहले तो आप नाम बताएंगे। तो पहला है माई नेम इज़, जैसे यहाँ लिखा है अमन, माई नेम इज़ अमन, तो इसका मतलब हुआ मेरा नाम अमन है। इसके हिंदी ट्रांसलेशंस भी बताते जा रहे हैं, जिससे कि आपको ये समझ में आ जाए कि आपने जो बोला है वो क्या बोला है, सेंटेंस के बारे में क्या चीज़ कहा गया है। देन सेकेंड में है आई एम 10 ईयर्स ओल्ड, मैं 10 साल का हूँ। फिर थर्ड सेंटेंस है आपका, देखिए, थर्ड में देखिए आई स्टडी इन क्लास 7th, या स्टडी इन 7th क्लास, मैं 7वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। फोर्थ में माई मदर्स नेम इज़ रेशमा, मेरी मम्मी का नाम रेशमा है। माई फादर्स नेम इज़ रोहन, मेरे पापा का नाम रोहन है। यहाँ पर आप मिस्टर लगा के बोल सकते हैं, मिस्टर रोहन एंड सो ऑन, जो भी नाम है। देन आई लिव इन दिल्ली, मैं दिल्ली में रहता हूँ। आप जिस जगह पर रहते हैं वहाँ का नाम बता सकते हैं। माई मदर टंग इज़ हिंदी, मेरी मातृभाषा हिंदी है, यानी कि हम भारतीय हैं तो हमारी मदर टंग जो है वो हिंदी है, ये स्वाभाविक सी बात है। वी आर अ फैमिली ऑफ 5 पीपल, हम 5 लोगों का एक परिवार है। आपका जो भी होगा, 4 है 5 है 6 है 7, वट एवर इट इज़, तो वो आप उस तरह से बोल सकते हैं। तो इसको आप चाहें तो नोट कर लें। चलिए नेक्स्ट देखा जाए, ये 8 सेंटेंसेज हैं। ये सब देखिए कॉमन चीज़ें होती हैं, अपना नाम, हमारी एज क्या है, हम कहाँ रहते हैं, किस में पढ़ रहे हैं, मदर नेम, फादर नेम, और हम फैमिली से रिलेटेड ये शॉर्ट इंफॉर्मेशन होती है जो बहुत कॉमन होती है, और इसकी जानकारी होना सबको बहुत ज़रूरी है। चलिए नेक्स्ट देखें, 9th वन देखिए, माई मदर इज़ अ हाउस वाइफ, मेरी माँ एक गृहिणी है। माई फादर इज़ अ टीचर, मेरे पापा एक अध्यापक हैं, या मेरे पिताजी एक अध्यापक हैं। आपके फादर जो भी हैं आप वो यहाँ पर लिख सकते हैं। 7th है माई हॉबीज़, हॉबीज़ होता है आदतें। माई हॉबीज़ आर वॉचिंग क्रिकेट एंड प्लेइंग फुटबॉल, क्रिकेट देखना और फुटबॉल खेलना मेरी आदतें हैं। 12th में माई एम्बिशन इज लाइफ इज़ टू बिकम ए सिंगर। माई एम्बिशन इज़ लाइफ इज़ टू बिकम ए सिंगर, तो जीवन में मेरी महत्वाकांक्षा एक गायक बनने की है। आप चाहें तो जो लिखना चाहें लिख सकते हैं, यू वॉन्ट टू बी ए इंजीनियर, और यू वॉन्ट टू बी ए डॉक्टर, और वट एवर यू वॉन्ट टू बी, वट एवर योर एम्बिशन इज़, जो भी आपका एम है, जो भी आपका लक्ष्य है, जो आप बनना चाहते हैं वो यहाँ पर मैंशन कर सकते हैं। 13th में देखिए, आई हैव 3 siblings, यानी हमारे जो छोटे भाई बहन होते हैं उन्हें कहा जाता है siblings, मेरे 3 भाई बहन हैं।
14th में देखिए, माई बेस्ट फ्रेंड इज़ करीम, मेरा सबसे अच्छा दोस्त करीम है। यहाँ पर हम ये छोटी छोटी इंफॉर्मेशन पुट कर सकते हैं। इसलिए शॉर्ट एक इंट्रोडक्शन का एक शॉर्ट वीडियो बनाया गया है, जो आसानी से और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में है, जिससे कि आप लोग इसे आसानी से तैयार कर सकें। 15 देखिए, आई एम नॉट मच इंटरेस्टेड इन वॉचिंग मूवीज़, मुझे फिल्में देखने का ज़्यादा शौक नहीं है। यहाँ पर आप कुछ और लिख सकते हैं, बहुत लोगों को खेलने में इंटरेस्ट नहीं होता है, बहुत लोगों को कोई अलग चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं होता, तो आप उस जो भी चीज़ में आपका इंटरेस्ट नहीं है वो यहाँ पर लिख सकते हैं। 16th में देखिए, आई डिसलाइक डिसऑनेस्ट पीपल, मैं बेईमान लोगों को नापसंद करता हूँ। 17th है, माई फेवरेट सब्जेक्ट इज़ इंग्लिश, मेरा पसंदीदा विषय इंग्लिश है। ये एक सेंटेंस है जो नॉर्मली स्टूडेंट अपने इंट्रोडक्शन में यूज़ कर सकते हैं। फिर 18th है, आई एम इंटरेस्टेड इन मेकिंग न्यू फ्रेंड्स, मुझे नए दोस्त बनाना अच्छा लगता है। 19th में देखिए, माई फेवरेट टीचर इज़ राजीव सर, और वॉट एवर जो भी आपके फेवरेट टीचर हो, सर हो या मैम हो, वो आप लिख सकते हैं। और 20th में है, माई मोस्ट मेमोरेबल मेमोरी इज़ द फर्स्ट डे ऑफ माई स्कूल, मतलब हुआ मेरी सबसे यादगार स्मृति मेरे स्कूल का पहला दिन है। तो इस तरह से आप यहाँ पर आपने देखा कि 20 सेंटेंसेस हमारे इंट्रोडक्शन पर, यानी कि जो भी इंट्रोडक्शन आप तैयार करना चाहते हैं इसके बेस पर आप तैयार कर सकते हैं। ये टोटल 20 हैं, इन 20 में से आप चाहे तो 20 का 20 प्रिपेयर कर सकते हैं, इसमें से कुछ इसमें से डिक्रीज कर सकते हैं, चाहे तो 15 बना लें, 10 लाइंस या 15 लाइंस, जो आपको बेटर लगे, आसान लगे, वो आप इसमें से बना सकते हैं। और इसे आप नोट कर सकते हैं कि नेम की जगह नेम्स चेंज कर दीजिए, जितने ईयर्स के हैं उतना ईयर आप इसमें लिख सकते हैं, जिस क्लास में पढ़ते हैं वो क्लास लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। इस तरह से आसानी से सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में आपका एक इंट्रोडक्शन तैयार हो जाता है। ओके, सो फाइनली लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।